नमस्कार स्वागत है आप सभी का सन्नाइस न्यूज़ में मैं आपके साथ विशाल बालों की समस्या एक आम समस्या है जिसके कारण हजारों लोग परेशान रहते हैं बालों की समस्या के पीछे कई कारण हो सकते हैं जैसे डेंड्रफ प्रदूषण तनाव और अनियमित खान पान बालों की समस्या सिर्फ महिलाओं को ही नहीं बल्कि पुरुषों को भी देखने को मिलती है जिसके लिए हर कोई परेशान रहता है और इससे निपटने का तरीका ढूंढता है लेकिन कई तरीकों को अपनाने के बाद भी आपको बालों की समस्या से छुटकारा नहीं मिलता ऐसा इसलिए क्योंकि आपको बाल झड़ने का कारण नहीं पता होता अगर आप बाल झड़ने का कारण पता कर लें तो आपके लिए बालों की मजबूती बनाना और बालों को बढ़ाना आसान हो सकता है एक्सपर्ट के मुताबिक बालों की समस्या किसी एक आयु में देखने को नहीं मिलती बल्कि यह आजकल काफ़ी आम हो गई है जिसके कारण बच्चे महिलाओं और पुरुष हर वर्ग के लोगों में इस तरह की समस्याएं दिखाई देती है ज़्यादातर लोगों में बाल झड़ने की समस्या इसलिए हो जाती है क्योंकि उनको सही मात्रा में पोषण प्राप्त नहीं होता जैसे प्रोटीन विटाम्स और मिनरल्स आदि की कमी जबकि जब आप हेल्दी डाइट का सेवन करते हैं जिसमें भारी मात्रा में सभी तरह के पोषक तत्व मौजूद होते हैं तो आप इस तरह की बालों की समस्या से खुद का बचाव कर सकते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं कि किन कारणों से आपको बालों की समस्या देखने को मिलती है बाल झड़ने के कई कारण हो सकते हैं जिससे आपके बालों को काफी नुकसान पहुंचता है सबसे पहले बात करेंगे एलोपेशिया के टाइप्स के बारे में हेयर लॉस के टाइप्स के बारे में मेनली जो एलोपेशिया के टाइप्स हैं वो डिपेंड करते हैं उनके होने के रीजन के ऊपर फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रिशनल एलोपेशिया जो एलोपेशिया या जो हेयर लॉस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल एलोपेशिया उसी तरीके से स्कारिंग एलोपेशिया कभी कभी कुछ ऐसे स्कैल्प के डिजीज हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं स्कैल्प में कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है और वो जो डिज़ीज़ हुई हैं या वो जो इंजरीज हुई हैं उनके इम्पैक्ट की वजह से उस एक पर्टिकुलर एरिया के बाल चले जाते हैं या झड़ जाते हैं तो उस टाइप के एलोपेशिया को या हेयर लॉस को हम बोलते हैं स्कारिंग एलोपेशिया अब इसमें जो सबसे मेन और जो सबसे कॉमन हम जनरली देखते हैं दैट इज़ मेल पैटर्ल्ड बार्ननेस जिसको हम डिफ्यूज़ एलोपेशिया या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं सो so ये बेसिकली एक जेनेटिकल टाइप ऑफ एलोपेशिया है जो आपके जीन्स के साथ जिसके पीछे आपके जेनेटिकल रीजन्स जो हैं वो एसोसिएटेड होते हैं इसके अलावा जो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है हेयर फॉल का दैट इज़ स्ट्रेस एलोपेशिया जो बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है जिस तरीके की लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं उसमें लगभग हर दूसरा आदमी स्ट्रेस में है और उस स्ट्रेस की वजह से मोस्टली हम देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी जो फॉल की प्रॉब्लम है वो लगातार सामने आ रही है इन कारणों से आपके बालों की समस्या बढ़ सकती है और आप लगातार अपने बालों की झड़ने की समस्या को देख सकते हैं अगर आप बाल झड़ने या अन्य बाल संबंधित समस्या का सामना कर रहे हैं तो हम आपको बताते हैं कि किस तरह आप अपने बालों का बचाव कर सकते हैं बेसिकली न्यूट्रिशनल एलोपेशिया में हमें ये देखना होगा कि किन न्यूट्रिशनल एलिमेंट्स और किन चीजों की वजह से ये हेयरफॉल हो रहा है और हमें उन चीज़ों की सपूर्ति अपने खाने में करनी पड़ेगी अगर हम उन न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स को अपनी डाइट में ऐड कर देंगे तो कहीं ना कहीं वो कमी पूरी हो जाएगी जिसकी वजह से जो हेयर फॉल है वो रुक जाएगा उसमें आप अपनी डाइट भी इम्प्रूव कर सकते हैं और साथ में कुछ मल्टीविटामस और कुछ सब्सटेंस कुछ प्रोटीन्स एज मेडिसिन भी अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं आप वीक में दो बार अ... कोकोनट ऑयल अप्लाई कर सकते हैं वो आपको बेनिफिट करेगा माइल्ड शैम्पू यूज करें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड शैम्पू मत यूज़ करें देर इज़ नो शैम्पू विच कैन बी कंसिडर एज एंटी हेयर फॉल शैम्पू जो एलोपेशिया या जो हेयर लॉस न्यूट्रिशन की कमी की वजह से हो उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशनल एलोपेशिया उसी तरीके से स्कारिंग एलोपेशिया कभी कभी कुछ ऐसे स्कैल्प के डिजीज हो जाते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं स्कैल्प में कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिनकी वजह से हेयर लॉस होने लगता है इसके अलावा जो एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ है या जो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइप है हेयर फॉल का दैट इज़ स्ट्रेस एलोपेशिया जो बहुत कॉमन है क्योंकि आजकल जो हम लोगों का लाइफस्टाइल है जिस तरीके की लाइफस्टाइल को हम जी रहे हैं उसमें लगभग हर दूसरा आदमी स्ट्रेस में है और उस स्ट्रेस की वजह से मोस्टली हम देख रहे हैं कि आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी जो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है वो लगातार सामने आ रही है स्ट्रेस मैनेजमेंट इज की इन एवरी काइंड ऑफ एलोपेशिया आपको एलोपेशिया कोई भी हो अगर आप उसके बारे में सोचते रहेंगे अगर आप उसके बारे में लगातार परेशान रहेंगे तो वो अल्टीमेटली आपके हेयरफॉल को बढ़ाएगा ही सो स्ट्रेस मैनेजमेंट इज़ की इन एवरी काइंड ऑफ एलोपेशिया सो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है आप योगा कर सकते हैं आप मेडिटेशन कर सकते हैं आप अपने बालों के गिरने के टेंशन को छोड़ सकते हैं और वो टेंशन छोड़ेंगे तो ज़रूर आपको उसमें हेयर फॉल uh, में कमी आएगी और आपको uh, आपके हेयर लॉस को प्रिवेंट करने में वो मदद करेगा एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो मेरी प्रैक्टिस में मैं मेनली जो मेरे फीमेल पेशेंट्स हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर हम अपने बालों को लंबा कैसे कर सकते हैं देखिए लंबा करने के लिए कोई मेडिसन्स नहीं होती हैं देर इज़ नो मेडिसिन टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ यू हेयर मेनली आपको जो प्रॉपर एक न्यूट्रिशन आपके बालों को देना है आप वो दें कंडीशनर्स हैं जो हेयर कलर्स हैं उनको अपने स्केल्प पे मत लगाएं, जनरली स्ट्रेंथ्स पे ही उनको अप्लाई करें अपने बालों के जो स्प्लिट्स एंड हैं उनको काटते रहें प्रॉपर अगर आपको ऑयलिंग करनी है तो एक माइल्ड ऑयल का इस्तेमाल करें कोई बहुत ज़्यादा खुशबू वाला या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग ऑयल कभी भी यूज़ ना करें सिंपल कोकोनट ऑयल इज़ द बेस्ट ऑयल टू नरिश बालों को बढ़ाना आजकल महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए एक आम समस्या बन गई है हर कोई चाहता है कि बालों को कैसे बढ़ाया जाए तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है आप एक्सपर्ट से जानिए कैसे आप अपने बालों को घना और मजबूत बना सकते हैं या किसी होम रेमेडी के थ्रू ट्रीट नहीं कर सकते अगर आपके बाल जा चुके हैं आपको जो पैटर्न बालनेस है वो डेवलप हो चुका है देन ट्रांसप्लांट और अ नॉन सर्जिकल पैच इज द ओनली सॉल्यूशन आप उस एरिया में या तो बालों को ट्रांसप्लांट करा सकते हैं या जो नॉन सर्जिकल पैचेस का एक ट्रेंड आजकल चल रहा है आप उसके थ्रू भी इसका सॉल्यूशन ले सकते हैं इसी तरह जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनको हम उनके जो बेसिक रीज़न हैं उनको रिजॉल्व करके बालों के गिरने और हेयर लॉस से छुटकारा पा सकते हैं तो सुना आपने किन कारणों से बालों को नुकसान पहुँचता है कैसे आप अपने बालों के स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं ऐसे ही स्वास्थ्य से जुड़े वीडियो को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर क्लिक कर वीडियो देख सकते हैं अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें इसके साथ ही अगर आपने हमारा चैनल सन्नाइस न्यूज सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर शेयर करें धन्यवाद